अगर इंसान दौरे हाजिर में तौबा करना चाहता है, तायब होना चाहता है, तो बुरी सोहबत से बचना ज़रूरी है और अल्लाह के प्यारों की सोहबत इख्तियार करना ज़रूरी है। अगर ना तौबा कायम नहीं रहती, तौबा टूट जाती है। देखिए, जब आप किसी नेक फर्द के करीब होते हैं, एक 25 साल का नौजवान है, उसकी दोस्ती किसी अल्लाह के प्यारे से हो जाती है, किसी नमाजी से हो जाती है, किसी इबादत गुजार से हो जाती है। अब ये बेनमाजी है, खुद गुनहगार है, खुद नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन वो देखता है कि उस 25 साल के नौजवान की एक नमाज कज़ा हो जाती है। जब उसकी नमाज कज़ा हो जाती है तो उस पर रिक्कत तारी होती है, वो गिरियाज़ारी करता है, रोता है, इससे पूछता है तू क्यों रो रहा है, तुझे किस बात ने रुलाया, इस कदर तू क्यों रो रहा है। कह रहा है देखें मेरी नमाज कज़ा हो गई। वो कहता है लेकिन नमाज तो मेरी भी कज़ा होती रहती है, लेकिन तू क्यों रो रहा है। वो कहता है कि मैंने उलमा से सुना है एक हदीस का एक मफहूम, जिसकी उलमा ने तशरीह की है कि जो एक नमाज कज़ा कर देता है बगैर उज़्र शरई के, वो 2,88,00,000 बरस जहन्नुम की आग में जलाया जाएगा। One who misses one prayer will be in hellfire for 28,800,000 years on account of missing one prayer, only one prayer. That is a mafhoom derived from one hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. वो कहता है कि मैं देखता हूँ अपनी नातवानी को, अपनी कमजोरी को, कि मैं जहन्नुम की आग कैसे बर्दाश्त करूँगा। तो ये भी 25 साल का नौजवान, उसका हम उम्र है, ये उससे जब गुफ्तगू करता है तो इसके जहन में ये सवाल ज़रूर पैदा होगा कि ये भी मेरा हम उम्र है, इसकी उम्र भी 25 साल है, मेरी उम्र भी 25 साल है, ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, ये भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, जिस तरह इसने मरना है इस तरह मैंने भी मरना है। तो अगर ये जहन्नुम की आग से और अल्लाह के गज़ब से और अल्लाह की नाराज़गी से इस कदर डर रहा है, तो मुझ में कौन सी स्पेशलिटी है, मुझ में कौन सी ख़ास सलाहियत है, मैं जहन्नुम की आग कैसे बर्दाश्त करूँगा। तो उसका रोना और उस पर रिक्कतदारी हो जाना और उसका गमगीन हो जाना अल्लाह की नाराज़गी की वजह से, ये उस गुनहगार के दिल पर भी ऐसे असरात मुरतब करता है कि रफ्तार रफ्तार वो भी नमाज की तरफ मायल हो जाता है। लेकिन मोहतरमा हिब्बा, जब इंसान नेक लोगों से दूर हो जाता है और बुरी सोहबत इख्तियार कर लेता है, बुरों के करीब हो जाता है, गुनहगारों के करीब हो जाता है, तो वो उमूर, वो चीज़ें जिनको वो पहले बुरा समझता था बुरों की सोहबत की वजह से, वो उनमें भी फिर बुराई नहीं देखता। अब देखें, ऐसे लोग जो पहले शराब पीने को गुनाह समझते थे, बुरा समझते थे, शराबियों के करीब तक नहीं जाते थे, उन्हें नफरत होती थी, बेनमाजी होने से दूर भागते थे और बेनमाजी होने के अमल से नफरत करते थे, उनके दिल में नदामत, शर्मिंदगी पैदा होती थी, खौफे खुदा पैदा होता था, झूठ से नफरत थी, गीबत से नफरत थी। लेकिन जब वो झूठ बोलने वालों की सोहबत इख्तियार कर लेते हैं, जब वो बेनमाजियों की सोहबत इख्तियार कर लेते हैं, तो वो जब देखते हैं कि उनके इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोग बेनमाजी हैं, तो एक वक्त ऐसा आ जाता है कि बेनमाजी होने के अमल को वो बुरा नहीं समझते। वो कहते हैं कि ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा होता है कि एक वक्त आता है कि सोहबत, बुरी सोहबत की वजह से, वो एक अत्तार की बेटी थी ना, अत्तार कहते हैं इतर फरोश को, इतर बेचने वाले को, अत्तार की बेटी का निकाह हुआ एक दबाग के बेटे के साथ। दबाग, वो जो चमड़े की दबागत करते हैं ना, जो दबाग चमड़ा बेचने वाले को कहते हैं। अत्तार की बेटी की शादी हो गई दबाग के बेटे के साथ। अब जब वो अपने नए घर में आई, तो अब जानते हैं जहाँ चमड़ा बनता हो, जहाँ चमड़ा तैयार होता हो, जहाँ चमड़े की दबागत का अमल होता हो, वहाँ बदबू बहुत ज़्यादा होती है, बहुत शदीद बदबू होती है। तो वो जब वो बहू नए घर में आई, तो घर के एक कोने में बैठी रहती, अपना नाक पकड़ के बैठी रहती, घर में कोई काम नहीं करती। उसकी सास ने कहा कि तेरा यहाँ आने का क्या फ़ायदा, कि जब से तू आई है ना कोई काम करती है, कुछ भी नहीं करती, एक कमरे में तू बैठी रहती और नाक पकड़ के बैठी रहती है, तेरे आने का क्या फ़ायदा। तो उसको ताने देती, शिकवे करती। कुछ अरसे के बाद जब उसी अत्तार की बेटी, जब उसका उसके इसके वालिद साहब, वो अत्तार, अतर इतर फरोश, वो जो खुशबू के माहौल में परवान चढ़े थे, वो जब घर में आते हैं, अपनी बेटी को मिलने के लिए आते हैं, तो उससे वो सास गिलगिला करती है, आपकी बेटी यहाँ आई है, लेकिन जब से आई है देखिए कि ये कोई काम नहीं करती है, कि कमरे में बैठी रहती है, इसके आने का फ़ायदा क्या है। तो उस बेटी के वालिद ने कहा कि तू यहाँ आई है तो ये शिकवा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं तेरे आने का फ़ायदा क्या है। उसने कहा वालिद साहब देखिए, ये गलत बात कह रहे हैं, हर चंद के मैं कोई काम तो नहीं करती, मैं कुछ नहीं करती, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि मेरे आने की बरकत से इनके घर की बदबू ख़त्म हो गई है,
جب سے میں یہاں آئی ہوں وہ بدبو ختم ہو گئی ہے۔ والد صاحب آپ کو یاد ہے جب ہم پہلی مرتبہ یہاں آئے تھے تو کتنی بدبو آتی تھی، لیکن اب وہ بدبو ختم ہو گئی، یہ میری برکت ہے۔ والد نے کہا نہیں میری بیٹی، یہ تیری برکت نہیں ہے، یہ اس گھر کی نحوست ہے کہ تیری بدبو کو سونگھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، تجھے اس بدبو کی عادت ہو گئی، اب اس بدبو کو تو محسوس نہیں کرتی، وہ بدبو ویسے ہی موجود ہے۔ تو مجھ سے پوچھ، میں جو عطر کے ماحول سے آیا ہوں، میں آج باہر سے آیا ہوں، جب آج گھر آیا ہوں تو مجھے وہ بدبو ویسے ہی محسوس ہو رہی ہے، لیکن تجھے اس کی عادت ہو گئی ہے، تجھے اس کی برائی نظر نہیں آتی۔ تو جب انسان بے نمازیوں میں رہتا ہے، شرابیوں میں رہتا ہے، جب انسان گنہگاروں میں رہتا ہے، وہی انسان جو گناہ سے نفرت کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ جھوٹ کو برائی سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ شراب میں برائی نہیں دیکھتا، وہ بے نمازی ہونے کے عمل میں برائی نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ دیکھیں، اللہ سب کا اللہ ایک ہی ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، اس قسم کے بہانے۔ لیکن جب وہی شخص ایک نیک شخص کے ساتھ رہتا ہے، اپنے ہم عمروں کے ساتھ رہتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ لوگ ایک نماز قضا ہونے پر کتنا روتے ہیں۔ بچوں کی صحبت کا محترم حبا یہی اثر ہے، اچھوں کی صحبت اختیار کر لیں، اللہ کے پیاروں کی صحبت اختیار کر لیں۔ اینڈ دیٹ از مائی میسج فار آل دی ینگ برادرز اینڈ سسٹرز۔